नमो नोये सौ हरिहंता नमो नोये सौ सुदान नमो नोये सौ आयिरिया नमो नोये सौ जयान नमो नोये सौ त्रिरावती श्रावण ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामद मोक्षदं से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम रूपमोहि मंगल कुंकुंडारीजेन्द्र मंगल नमस्मरी स्वानुभूति स्वाय भवाय श्रमार बस ने त्राणु गाथा बस त्राणु थे ने उसका उपोद्घाटन जिसका प्रश्न है मात्र यही बंद छेद का है मुख व्याकरण क्यों है क्या किया कि आत्मा और राग आदि बंद का कारण राग आदि बंद का कारण आत्मा ज्ञान स्वरूप दो का द्विधाकरण भिन्न करना ये मोक्ष का कारण है तो शिष्य का प्रश्न है मात्र यही मोक्ष का कारण दूसरा कोई नहीं राग चाहे तो दयादान व्रत भक्ति का राग हो पर राग बंद का कारण है उससे जुदा नाम स्वभावी आत्मा है तो दो का भिन्न करना मात्र यही बंधन का कारण है शिष्य प्रश्न ये बंध मात्र छेदवानु कारण है कि दो बीजों का कारण है नहीं मोक्ष यों है ऐसा प्रश्न होने पर अब उसका उत्तर देते हैं 293 बंधानं च स्वभावं यानियो अपनो स्वभावं बंदेशु जो मिल जाई सो कम विमोखन कुनी रे जान कर बंधन स्वभाव स्वभाव जान तो ज्ञातम का जो बंधन है विरक्त होवे कर्म मुक्त करेगा टीका जी निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव आत्मा तो निर्विकार चैतन स्वभाव मात्र है उनको राग दया दान व्रत भक्ति आदि राग है वो राग स्वरूप नहीं है ये राग तो बंध का कारण है निर्विकार चैतन चमत्कार मात्र चमत्कार नाम सोने पर ने जाने उपने में रहकर ऐसा चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा यही आत्म स्वभाव को और ये आत्मा के विकार करने वाले बन के स्वभाव को पुण्य पाप का भाव आत्मा को विकार करने वाला है ये कोई मोक्ष का कारण नहीं व्यवहार दया दान व्रत भक्ति का परिणाम आता है पर वो बंध का कारण है वो कोई मोक्ष का कारण नहीं ये बंध के स्वभाव को जानकर आत्मा का स्वभाव चैतन्य चमत्कार
और बंद का स्वभाव राग देश पुनपा विकल्प ये दो का भिन्न स्वभाव जानकर बंधु से विरक्त होता है, जानकर विरक्त होता है। आत्मा चैतन्य स्वरूप जान स्वभाव राग अचेतन अंधकार स्वरूप बंध स्वरूप दो को भिन्न जानकर बंध से व्यक्त होता है। हाँ 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 अभी व्यवहार व्यवहार रत्न त्रय है वो भी बंध का कारण है, राग है। आत्मा चैतन्य चमत्कार मात्र है, उसमें राग है नहीं। ये राग से अपना चैतन्य चमत्कार बिन जानकर बंध से व्यक्त होना। हाँ हाँ भाषा बो टूकी पहुंचाओ कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा व्यवहार करो, व्यवहार करते करते निश्चय होगा। भगवान ना पढ़ते कैसी बात है नहीं, व्यवहार बंद का कारण है। बंद का कारण का छेद करना और पीछे बंद से विरक्त होना ये मोक्ष का कारण है। है निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को आत्म स्वभाव निर्विकार चैतन्य चमत्कार और आत्मा के विकार करने वाले ये पुण्य पाप का भाव शुभ शुभ भाव आत्मा ने विकार करने वाला मोक्ष करने में सहायक करने वाला नहीं, मोक्ष मार्ग में सहायक करने वाला नहीं, विकार करने वाला है। बंद के स्वभाव को जानकर विकार करने वाला बंदों से विरक्त होता है। ये बंद नाम राग भाव, चाहे तो व्यवहार का राग हो, दया दान हो, भक्ति काम क्रोध देवगुरु शास्त्रनी भक्ति ये पन राग है। राग आत्मा को विकार करने वाला है, राग आत्मा को शांति अने सम्यक दर्शन प्रकट करने वाला नहीं। राग तो विकार करने वाला है, तो विकार करने वाला से व्यक्त हो, उससे व्यक्त न रहो, वो तब का रंग छोड़ दे अने चैतन्य चमत्कार स्वभाव है उसके त्या दृष्टि लगा दे। आओ मार्ग से वही समस्त कर्मों से मुक्त होता है। कौन? ये चैतन्य चमत्कार आत्मा का स्वभाव जानकर राग का बंध का कारण विकार का कारण जानकर राग का विकार का कारण जानकर विरक्त होता है, राग से भिन्न होता है,
वो मुक्ति प्राप्त करता है, है? वही समस्त कर्मों से मुक्त होता है। हमी चोखी बात है, व्यवहार थोड़ो दया दान व्रत भक्ति पूजा यात्रा ही भाव मदद करेगा धर्म में, एम है नहीं, ये तो विकार करने वाला है। राग तो विकार आता है, जानना कि विकार करने वाला है, पर उससे विरक्त होना ये सर्व कर्म से मुक्त होने का उपाय है। उससे विरक्त होना ये पूर्ण कर्म से मुक्त होने का उपाय है। आखरों काम अपूर्व बात है ने, अनंत काल में कभी कर्यू नहीं, अनंत काल मुनिव्रत धार अनंत भैर ग्रवेक उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन देश सुख न पायो। मुनिव्रत धारण किया, छह गुण पाया, पंचमावत पाया, नग्नपणा लिया, हजारों रानी छोड़ी, जंगल मा वसा, मुनिव्रत धार अनंत भैर ग्रवेक उपजायो, स्वर्ग में भी, पर आत्म ज्ञान बिन राग थी भिन्न आत्मा का अनुभव बिना ले सुख न पायो। पंच महर्ष ना परिणाम ने छह मूलगुण ना भाव, ये बदा राग दुख रूप है। आखिरी बात है, जहर की धारा है, जहर की दो दुख की दू, बंद का कारण की दू, बंद नु स्वरूप क्यों, बंद स्वरूप कीधू, बंद नु लक्षण शू क्यू ने, क्या गाड़ी बंद नु लक्षण, आत्मा नु चैतन्य लक्षण बे आई गये जुदू जुदू। हा हा काम आखरों काम आकरण अर्थ अपूर्व बात है, पूर्वे कभी करी नहीं, अनंत काल, अनंत काल बीती है। पंच महावत लिया अनंत भेद, दीक्षा लिया नग्न मुनि हुआ, दिगंबर हुआ, अठैमो गुण पाया, पर ये तो सब राग है। राग से स्वर्ग मिले, कर्म से मुक्ति आई, कर्म से मुक्ति तो यह राग बंध का कारण जानकर, चाहे तो व्यवहार रत्न तरीका राग, देवगुरु शासक की भक्ति, देवगुरु शासक की श्रद्धा, उसका ही राग बंध का कारण जानकर विरक्त होना एक मुक्ति होने का कारण है। आया नहीं, वही समस्त कर्मों से मुक्त होता है, है अंदर। समस्त कर्मों से मुक्त होता है, वही इस कथन से ऐसा नियम जा किया जानो, आकर्तन से ऐसा नियम किया गया है कि आत्मा और मन का द्विधाकरण मोक्ष का कारण है। राग मोक्ष का कारण नहीं, मोक्ष का मार्ग में मददगार नहीं, राग ने आत्मा का द्विधाकरण भिन्न करना, भेद करना,
व्यवहार रत्न तरीका राग उससे मन भिन्न करना राग है। निश्चय रत्न त्रया चैतन चमत्कार परिणति निर्मल है। व्यवहार राग है, राग से विरक्त होकर गर्व से मुक्त होना ही एक उपाय है। ऐसा नियम किया जाता है कि आत्मा और बंध का विदाकरण पृथककरण, आत्मा ने राग का पृथककरण भिन्नपणा चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा राग बंध स्वरूप ये देने विदा करूं बेने पृथक करवा व्यवहार व्यवहार से नीचे होता है। एक बार न्याय नहीं किया द्विधाकरण पृथककरण ही है। ये शब्द है आत्मान बंध का द्विधाकरण ही आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप चैतन राग विकार स्वरूप दुखा भिन्न करना ही दुखा जुदा पाड़ना ही एकांत या मोक्ष का कारण है। भिन्न पृथक करना ही मोक्ष का कारण है। साथ में लिखकर मोक्ष का कारण है व्यवहार, ऐसा है नहीं। काम है चाहे तो लोगों ने पसंद पड़े ये विवादों करी राजी राजी राखे व्यवहार आम था व्यवहार करता करता था पहले राग नहीं मनता हो दयादान वरुद भक्ति पूजा ये करता करता नीचे थाय एवी पुरूपणा करे थे। ये पुरूपणा तद्दन जैन शासन से विरुद्ध है। आंबलना ने खबर न हो माथे के ना रहे जी हा हा कहे आए तो कैसे कि राग चाहे तो भगवान प्रति नहीं भक्ति नो राग के पंच महाभारत का विकल्प नो राग राग ने आत्मा को द्विधा करण जुदा करवा ये एक ज मुक्ति नो पाई छे। एवो नियम छे, एवो नियम याद है। बीजो नियम करवा जाए नियम बने वो नथी एम के। नहीं ऐसा नियम किया जाता है कि आत्मा ने बंध का विदाकरण ही मुख्य कारण है। आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करना ही मोक्ष का कारण ऐसा निर्णित किया जाता है। पहले तो ये निर्णय सम्यक दर्शन में ये अनुभव में निर्णय करना कि आग ने आत्मा भिन्न करना वही मुक्ति का सर्वात उपाय है। पूर्ण होने का भी एक ही उपाय है। विरक्त होना ही उपाय एक ही है। रक्त होना राग दयादान व्रत भक्ति यहां राग आवे पर उनमें रक्त होना बंध का कारण है।
विरक्त होना ये मुक्ति का कारण है। हा 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 हाँ आगे आत्मा और मन शिष्य प्रश्न करे आत्मा और मन किस साधन के द्वारा अलग किया जाता है? साधन क्या? भिन्न करने का साधन क्या? राग चाहे तो व्यवहार रत्न त्रय देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंच महाव्रत का राग, शास्त्र बनने का राग, माने भगवान चैतन्य मंत्र विदा करना ये उपाय, पण एमां साधन क्या एम कहते हैं, एम पूछे छे। देश जुदा करवाना करण करण करता थी करण में साधन शुं हे? आत्मा और बंद किस साधन से द्वारा अलग किया जाता है? ऐसा प्रश्न होने पर ऐसा जिसको प्रश्न होता है अंतर में जिज्ञासा ऐसी होती है कि आत्मा और राग से भिन्न करना उसमें साधन क्या? ऐसा प्रश्न जिसको हृदय में उत्पन्न होता है उसको आ उत्तर देने में आता है, आ गाथा हमें कहने में आते ही उसका उत्तर है। जिसको ये अंदर में प्रश्न उठा हो आत्मा और बंद के साधन के बिन साधन के द्वारा अलग किए जाते हैं, किस साधन से अलग किया जाए? साधन क्या? करण क्या? ऐसा प्रश्न होने पर ऐसी जिज्ञासा जिसको होती है उसको अब उत्तर देने में आता है, मोटी गाता है 294। बंधो जीवो बंधो ताछी जई स्वलक्षणे नियई पन्ना छिदनेन छिन्ना मानतम मावन्ना। छेदन करो जीव बंध का तुम नियत निज निज नित्यमों से प्रज्ञा शनि से छेद दे दोनों पृथक हो जाएगा। आत्मा और बंध के विदा करने रूप काय में कर्ता तो आत्मा है, कर्ता तो आत्मा है ना? राग से आत्मा चैतन्य स्वरूप उसका भिन्न करने में कर्ता तो आत्मा है। आत्मा उसके करण संबंधी मीमांसा करने पर अरे कर्ता राग से आत्मा को भिन्न करता आत्मा, पर भिन्न करने में साधन क्या? ये साधन की विचारणा करने पर है मीमांसा विचारणा नीचे है चेतक और बन चेत है इन्हें
कर्ण साधन, कर्ण नाम का कारक मीमांसा, गहरी विचारणा, तपास, समालोचना, ऊंडी विचारणा, ऊंडी विचारणा करते हैं। राग और आत्मा के विदाकरण में साधन क्या, ऐसा प्रश्न होने पर ऊंडी विचारणा करने पर, गहरे विचार करने पर क्या पता होता है कहते निश्चय से अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, आत्मा राग से भिन्न करने पर निश्चय से उसका साधन आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा करता है राग से भिन्न करने का, आत्मा करता है राग से भिन्न करने का, तो कर्ता से करण भिन्न नहीं। ये आत्मा से उसका कर्म साधन भिन्न नहीं। व्यवहार दया, राग मंद करना, शुभ मंद करना, ये साधन ऐसा नहीं कहा, साधन बंधन कहा नहीं। व्यवहार साधन निश्चय साज ऐसा नहीं कहा, नहीं कोई ठेका ने कहा है, ये दूसरी बात है, ये तो ज्ञान करने की बात है। पूर्वापुर विरुद्ध होता है तो निषेध करते हैं कि आत्मा और बंद के विदा करने रूप काय में करता तो आत्मा, करने वाला तो आत्मा, उसके करण संबंधी विचारणा करने पर निश्चय नहीं से अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, आत्मा करता रागनी क्रिया ना परिणाम से भिन्न करता न करण अभाव होने से, भगवती प्रज्ञा ही ज्ञान स्वरूप बुद्धि छेदना मता करण है। राग से भिन्न करने में ज्ञान प्रज्ञा क्षीणी, प्रज्ञा क्षीणी साधन है। अरे आई बात राग आपका राग विकार करने वाला भगवान आत्मा निर्विकारी, तो उसको भिन्न करने में करता आत्मा, राग से भिन्न करने में करता आत्मा, तो करता में करना साधन कौन, के साधन भगवती प्रज्ञा, ये करता से अभिन्न, एक आत्मा नहीं साथ ही कर्ण साधन है, कर्ण साधन दूसरा कोई साधन है नहीं। राग से भिन्न करने में राग साधन नहीं, व्यवहार रत्न त्रय से आत्मा को भिन्न करने में व्यवहार रत्न त्रय जरिए साधन नहीं, एम कहते हैं। अत्यारे धान व्यवहार 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 करो, व्यवहार करो, व्यवहार थी नीचे थे आवी बात आ भगवान ना पड़े थे। करता भगवान चैतन स्वरूप, ये राग बंद स्वरूप उसका जुदा करने में कर्ता आत्मा और करण भी आत्मा, आत्मा की प्रज्ञा क्षीण ये करण, राग से भिन्न करने में राग
में मैं आत्मा नहीं, ऐसी प्रज्ञा छीणी, ज्ञान नहीं छीणी, राग न आत्मा वच्चे प्रज्ञा छीणी, इस संधि में प्रज्ञा छीणी मार भी एक करण से। हा हा हा, बीजा साधन क्या गया था राम राम बदा मंदिर करावा जात्रा कर वही समेत सिखा गिरनार क्षेत्रों जो गदरथ काटवा रथ यात्रा काटवी ये बधु क्या गयु ये तो एने कारण होता है कि साधन साधन है नहीं। हा 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 कहू काम बहुत अपूर्व बात तो आशे बे बात थी ने कि जितलो पुण्य पापा राग ये विकार करवा वाला है आम बात नहीं थी। चाहे तो दया दान भक्ति व्रत पूजा भक्त आदि भगवान की भक्ति के पांच नौकार नो स्मरण पण ये विकार राग से विकार करवा वालो छे। अने भगवान आत्मा तो चैतन चमत्कार निर्विकारी चैतन चमत्कार छे, पोते पोतामां रहीने पोताने ऊपर ने जाने एवं चैतन चमत्कार छे। राग करे एवं एनो स्वरूप छे नहीं। हा 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 हा, आवी वात छे। करता करने वाला ये पुण्यना परिणाम से भिन्न करने वाला, बंध से विरक्त होने वाला कर्ता आत्मा। करण क्या कि करणा करण आत्मा ही प्रज्ञा थी। आत्मा समझे कर्ता आको लीधो आ प्रज्ञा छीणी वर्तमान राग ने आत्मा वच्चे नी प्रज्ञा छीणी बे वच्चे संधि मां छीणी मार विज्ञान। आ हा 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 हा, आम काम छे। लागे पछी व्यवहार ना काई काई डोकड़ा खरा के नहीं बंधना कीधा ने विकार करवा वाला ना डोकड़ा होले होला ना थे। व्यवहार विकार करवा वालो थे, एना थी बिन पड़वानो करता आत्मा थे। अने करण प्रज्ञा छीणी छे, वर्तमान ज्ञान नी दशा राज थी बिन पड़वानी प्रज्ञा छीणी। एक नहीं अंदर ये है, एक साधन है जो ना। अपने से भिन्न करने का अभाव होने से भगवत की प्रज्ञा ही करू से न भगवती प्रज्ञा से पर्याय वर्तमान राग थी भिन्न पाड़वानी ज्ञान नी पर्याय ये भगवती प्रज्ञा ही एक ज बात ही। भगवती प्रज्ञा ही ज्ञान स्वरूप बुद्धि ज्ञान नी पर्याय ने आत्म तरफ वाली राग तरफ थी छोड़वी ये एक प्रज्ञा साधन है। बाह्य लक्ष्य जी राग
તેનાથી લક્ષ છોડી અને સ્વરૂપ જ્ઞાન ચૈતન્ય મૂર્તિ પ્રભુ એના તરફ લક્ષ કરવું એ વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાય છીણીનું કામ છે. એ રાગનું કામ નથી, એ દ્રવ્યનું કામ નથી. દ્રવ્ય કરતા છે, દ્રવ્ય તો ધ્રુવ છે. એ વર્તમાન પર્યાય જ્ઞાનની છે, એ કરતા કરણ છે. પ્રજ્ઞાજી વર્તમાન શ્રેણી એ કરણ સાધન છે. કથનથી સાદવાદ કરો, અનેકાન કરો, એમે થાય ને એમે થાય, એમે થાય ને એમે થાય, એ સાદવાદ નથી. આનાથી થાય, બીજાથી ન થાય, એનામ સાદવાદ અનેકાન છે. આકરું માણસને હજી નવરાશ સંસારના કામથી નવરો થાય નહીં. એમાં વળી આ ભક્તિ ભક્તિના પરિણામને પણ બંધના કારણ. આવે હોય છે, સમ્યક દ્રષ્ટિને પણ ભાવ આવે, પણ એનાથી જુદું પડવું એ સાધન છે, એ પોતે સાધન નથી. પ્રજ્ઞા છીણી વડે જુદું પડવું એ સાધન છે. જાની સભા એ વ્યવહાર ને એવા પણ કરે, આમ કરે, પામ પડે, પામ પણ દયા પાવી, ભક્તિ ભગવાનની કરવી, ભગવાનનું સ્મરણ કરવામાં ક્યાં શું ક્યાં એમાં અનુકસાન છે? ભગવાનનું સ્મરણ કરવું પણ અનમોલ, પણ સ્મરણ કરવું એ પોતે વિકૃત છે, રાગ છે. આત્માના સ્વદ્રવ સન્મુખ છોડીને પરદ્રવ સન્મુખ થવું, ચાહે તો ત્રણલોકના નાથ હોય ને એની વાણી હોય, એની સન્મુખ થતા રાગ થાય. આ ઘણું કામ છે ભાઈ. એ કહેતે એક જ પ્રજ્ઞા છીણી ભગવતી પ્રજ્ઞા, એ કીધું ને, એકાદ કીધું ને, કથનચિત પ્રજ્ઞા છીણી, કથનચિત રાગ મંદ, રાગ મંદ સાધન, રાગ મંદ કદચન કથનચિત સાધન, અને કથનચિત રાગથી ભિન્ન પડવાની પ્રજ્ઞા સાધન એમ કહ્યું નથી. રાગ મંદ વ્યવહાર સાધન, વ્યવહાર સાધન, વ્યવહાર સાધન એમ કહ્યું નથી. ભગવતી પ્રજ્ઞા હી, પ્રજ્ઞા જ, પ્રજ્ઞા જ છેદનાત્મક, છેદન કે સ્વભાવ વાળા કરણ હૈ. રાગથી ભિન્ન કરવામાં જ્ઞાનની પ્રજ્ઞા છીણી એક જ કરણ છે. એક સાધન આ છે, બીજું કોઈ સાધન નથી. આ બહારની વ્યવહારની વાતો કરે લોકોને બહુ ખુશી થાય, રાજી થાય. આમ કરું, ભક્તિ કરવી, પ્રભુની પૂજા, હવે હવે રાગમન થતા થતા સંકિત થઈ જાય. સંકિત થતા પછી ચારિત્ર થાય, પછી મુક્તિ થાય. એ બધી વાત અસત્ય છે. પહેલેથી જ રાગથી બિલકુલ અંશે પણ લાભ નથી. રાગથી ભિન્ન કરવું એમાં લાભ છે, રાગને સાથે રાખવું એમાં લાભ નથી. આમ છે,
જેથી શબ્દ લીધો ને ભગવતી પ્રજ્ઞા. એ જ છેદના છેદન સ્વરૂપ છેદન સ્વભાવ વાળું કરણ છે. બીજી રીતે કહીએ તો સ્વભાવ સન્મુખ થવું એથી વિભાવથી વિમુખ થઈ જવું એ એક સાધન છે. પર્યાયમાં સ્વભાવ સન્મુખ થવું રાગથી વિમુખ થવું એ વિમુખ થવું એ પણ એક પ્રક્રિયા છે. પણ આમ સ્વભાવ ચૈતન સ્વરૂપ છે આનંદ ખંડ સચિદાનંદ પ્રભુ એ તરફ ઝુકાવ કરવો એ તરફ વળવું એ રાગથી જુદું પડવાનો ઉપાય છે. બીજો કોઈ કરણ ઉપાય છે નહીં. આવા તો પછી આ કર્ણાનયોગમાં કર્ણાનયોગના શાસન ભર્યા છે. તૃણાનયોગના કેટલા શાસન તૃણાનયોગમાં છે. આમ કરવું આમ કરવું આમ મોટા તૃણાનયોગ બાર વ્રત આમ પાંચ બાર વ્રત આમ બધું જન નથી આવતું. એ બધા વિકલ્પ આવે છે એનું જ્ઞાન કરેલું છે. પૂર્ણ જ્યાં સુધી વિતરાગ ન હોય ત્યાં સુધી સ્વભાવની દ્રષ્ટિ હોવા છતાં સ્વભાવ સન્મુખ હોવા છતાં પૂર્ણ સન્મુખ જ્યાં સુધી નથી ત્યાં સુધી વચ્ચે આવા વિકલ્પ આવ્યા હોય છે આવે છે એનું જ્ઞાન કરેલું છે. વ્યવહારથી આદરણી પણ એમાં કહેવામાં આવે એનો અર્થ કે નિશ્ચિત આદરણીય છે નહીં. જાણવા લાયક છે. વ્યવહાર આવે હોય જાણવા લાયક છે. બાકી તો છેદના લાયક છે. જાણીને છેદમાં લાયક છે જુદા પડવા લાયક છે એકતા રાખવા લાયક નથી. આવું આકરું કામ લ્યો. સમય શીખની યાત્રા કરે તો થાય કે નહીં કઈ કલ્યાણ. હા સમય શિખર આ છે. બહાર સમય શિખર તો શુભ ભાવ છે. એ ભક્તિ ને જાત્રા એટલો બધો શુભ પુણ્ય ભાવ બંધનનું કારણ છે. એને બંધને છેદવું એ મુક્તિનું કારણ છે. એ બંધ ભાવ મુક્તિનું કારણ નથી. આવું કામ છે આ તો. એ છેદન ને સ્વભાવ વાળા તો કરણ છે. જોયું છેદન કે સ્વભાવ વાળા રાગને જુદું પાડવાના સ્વભાવ વાળું તો એ કરણ છે. પ્રજ્ઞા શ્રેણી એનો સ્વભાવ છે. પ્રજ્ઞા શ્રેણી એનો સ્વભાવ છે. રાગનો સ્વભાવ નથી. उस प्रज्ञा के द्वारा उनका छेद करने पर अंत
अंतर में ज्ञानी परियाय अंतर में वालने से और राग से विमुख होने से यह प्रज्ञा उनका छेद करने पर ये अवश्य नानापन को प्राप्त होते हैं। जरूर जुदापण नानापण एट जुदापण अनेक थे अनेक थी जाए। आत्मा आत्मा पण रहे राग राग पण थी जाए। राग ने आत्मा एक पण थता नथी। हा हा अधिकार तो बहु सारो आयो है। ऐसा है ऐसा है। नाना तो को प्राप्ति बे तद्दन भिन्न पड़ी जाए। राग ने आत्मा तद्दन भिन्न अनेकपणा के प्राप्त होता। नानो इसलिए अनेक राग राग रूपे आत्मा आत्मा रूपे प्रज्ञा क्षीणी थी आत्मा ने राग थी भिन्न पड़ता। राग राग रूपे आत्मा आत्मा रूपे अनेक पणे अनेक पणे अनेक अनेक रूपे थी जाए। एक रूपे जी भावता ये अनेक रूपे थी जाए। हा 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 मार आ तो नवरा समले मानो तुम्हें सांभवा मे नहीं तो सारू आठू व्यवहार 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 करो व्यवहार करो व्यवहार करो बस એ મળે સાંભળો વિચાર આમાં એમાં કૂચા મરી મરી જાય થઈ ને જિંદગી પૂરી થઈ ને હાજર જાય એવો વ્યવહાર તો અનંતવાર જૈન મુનિ થયો દિગંબર મુનિ પંચ મહાવર મુનિવ્રત ધાર અનંત વેર ગૃહિક ઉપજાયો એવી વાર અનંતવાર મુનિ થયો નગ્ન મુનિએ છે મૂળ ગુણ પહેર્યા પંચ મહાવર પહેર્યા પણ એ ધર્મ છે માનીને કર્યું મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે રાગથી ભિન્ન મારી ચીજ તદ્દન જુદી છે એનું જ્ઞાન કર્યું નહીં એનું એથી એને સુખ મળ્યું નહીં એ પંચ મહાવર્તને છે મૂળ ગુણમાં પણ દુઃખમાં મળ્યા એ દુઃખ પંચ મહાવર્તના પરિણામે આસરો છે ને આસરો છે તે દુઃખ છે એવું કે નહીં એમાં લેશ સુખ નો પાયો મુનિવ્રત ધાર અનંત વેર ગ્રહિક ઉપજાયો પણ આત્મ જ્ઞાન બિન લેશ સુખ નો પાયો એક જરીએ આત્માનું સુખ મળ્યું ને દુઃખ છે એટલું દુઃખ આ હા 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 પંચમાવર્તના પરિણામે દુઃખ હાકવું પડે માણસને બાર વ્રતના પરિણામ દુઃખ ભક્તિના પરિણામ ભગવાનની ભક્તિના પરિણામ ભગવાનના સ્મરણના પરિણામ પૂજા ભક્તિના પરિણામ એ દુઃખ રાગ છે ને એ દુઃખ આકરી વાત છે इसलिए प्रज्ञा द्वारा ही जारे हैं एम कहो ने कि प्रज्ञा के द्वारा उनका छेद करने पर वे अवश्य जरूर अवश्य ही जरूर जुदापना प्राप्त हो जाता है। दो एक रहते नहीं ज्ञान छीणी मार कर भिन्न पड़ने से एक रहते नहीं। आ इसलिए प्रज्ञा द्वारा ये आत्मा ज्ञान नी पर्याय द्वारा अंतर्मुख करके मन का विदा किया बंद का दीदा किया जाता है। हा हा बंद का दीदा किया जाता है
आत्मा ने बंध का द्विधा किया प्रज्ञा द्वारा ही, ये माई बोले प्रज्ञा द्वारा जो आत्मा ने बंध का द्विधा किया जाता है, प्रज्ञा रूपी कर्ण द्वारा आत्मा और मन से किए जाते हैं। ऐसा हम जानते हैं। हम कहेगा कहेगा ये ठे नीचे कहेगा नीचा परिकल्पना है, उन्हें अलग किया जा सकता है ऐसा हम जानते हैं। यहां प्रश्न होता है कि आत्मा बंध जो कि चैतन्य भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं, क्या कहते हैं? आत्मा चेतक है जानना रहे, बंध चैत है जानना लायक है। राग आदि भाव आवे ये जानवा लायक है, ये जाने नो प्रयोजन आत्मा जानने वाला है और बंध चेत है, आत्मा चेतक है ना? नीचे है आत्मा चेतक है चेतना जानना और मन चेत है जानना लायक, दोनों अज्ञान पर दिशा में एक से अनुभव में आता है। क्या कहते हैं? राग चैत है जानने लायक है यानी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, एम दो भिन्न चीज है पण भेद ज्ञान ना अभाव है, दो एक दिखते हैं, राग और आत्मा एक लगते हैं, चैतन्य चेतक जानवा लायक न जानमार में एक लगते हैं। बहु गाथा है चेत चेतक, आत्मा चैतन स्वरूप चेतक दयादान व्रत भक्ति का आदि भाव चैत्य है जानवा लायक है जानने लायक है, पण भेद ज्ञान ने अभाव है, चेतक ने चैत्य में एक दिखते हैं। जानने लायक चीज है जानने वाला है भिन्न तथा ज्ञान ने कारण वे एक दिखते हैं, जानने वाली चीज ने जानने वाला वे एक लगते हैं। व्यवहार अत्र चैत्य है जानने लायक है, आत्मा चेतक है जानने वाला है, जानने लायक है या जानने वाला है, चेत चेतक एक साथ हम रहते हैं, निकट है और भिन्न पारने की शक्ति है नहीं, भेद दुनिया में इति दो एक लगते हैं। आत्मा में राग एक है, जानवा लायक न जानना एक लगते हैं। जानार आत्मा ने जाना वाला ईरान दो एक अज्ञान भावे लागते हैं, है दो भिन्न। चेत चेतक भाव के द्वारा
अचन निकटता के कारण बहु नजीक है, क्योंकि आना प्रदेशमय है, पर्याय में राग पर्याय में राग है, पर्याय ज्ञान सता ही ज्ञान नहीं, पर्याय आ बाजू नो ढोलता जनावा लायक छे तेने जाणनार नो मारू काता, जाणनार ने जनावा लायक ने एक मानता, चेत चेतक ने एक रूपे माने छे, व्यवहार से चेत से जाना जानवा लायक से आत्मा चेतक जाननार से बे एक नथी। आओ बधु जीव मारे हो समय छे मां छे के नहीं चेत चेतक भाव के द्वारा अचल निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं, एक एक थयान थी, एक जैसे हो रहे हैं दिखते हैं, एक एक थयान थी, जानार चैतन्य में राग जनाया वर लायक एक जैसा दिखते एक हुआ नहीं, एक है नहीं, राग जितना व्यवहार रत्न से नौ राग ने भगवान चैतन बे एक जैसे दिखते हैं, एक है नहीं। और भेद विज्ञान के अभाव के कारण राग ने आत्मा भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान के अभाव के कारण बेनी भेद विज्ञान ना अभाव ने कारण मानो के एक चेतक हो ऐसे इनका व्यवहार किया जाता है, इतने जाने के हूं आत्मा छुआ राग राग जब पुनादि से आत्मा छे जुदी चीज छे नहीं है अज्ञानी ने बात है। हा बहुत जीर्णी बात आई, ऐसा जिसका व्यवहार किया जाता है जानने लायक न जानने वाला जाने एक ऐसा व्यवहार किया जाता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। जिन्हें एक आत्मा के रूप में ही अव्यवहार में जाना जाता है, जाने राग आत्मा से राग दयादान विकल्प ही आत्मा ही है, क्या नजर है ने नजर क्या है अपने व्यवहार से माना जाता है, उन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेदा जा सकता है, एक जैसा दिखे न केम छेदा के सवे, एक ज्ञान निकट से राग से क्या ज्ञान से न ज्ञान से क्या राग से, एक जैसा दिखे चेतक न चेतक भिन्न से सता चैत्य चेतक जो दिखाए आ मारू छ सूर्य में दिखाए एवं छे, ये तो द्वारा उन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेदा जा सकता है, यानी प्रज्ञा द्वारा भिन्न कई रीते थाय एम शिष्य नो प्रश्न है, एना उत्तर विशेष के।